think it. John did him a job there. गोरखा की स्क्रिप्ट पर मार्च 2023 तक चलेगा वर्क। मेकर्स वॉर के हीरो पर कर रहे हैं रिसर्च। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अक्षय कुमार एक गोरखा टाइटल वाली फिल्म भी कर रहे हैं, जिसमें वो एक सैनिक मेजर जनरल लैन कार्डोजो का किरदार निभाएंगे। ये फिल्म देशभक्ति पर आधारित फिल्म है और आज इसी से आई फैंस को थोड़ा निराश करने वाली खबर हम आपको बताएंगे। दरअसल खबर है कि गोरखा के फैंस को अभी लंबा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी तक स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और खबर है कि ये काम मार्च 2023 तक चलेगा। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक अभी गोरखा के स्क्रिप्ट में इश्यूज है। मेकर्स वॉर हीरो की लाइफ को करीब से और गहराई से जान रहे हैं, ताकि फिल्मों को और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। इसी के साथ कलाकारों की टुकड़ी को बाहर निकालने के लिए मेकर्स अपने कलीग तक भी पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो फिल्म 2023 के गर्मियों में शुरू हो सकती है, तब जब स्क्रिप्ट पर काम खत्म हो जाएगा। याद दिला दे कि गोरखा फिल्म से डायरेक्टर आनंद एल राय ने कहा था कि फिल्म तब बनेगी जब हमें लगेगा कि सब्जेक्ट के साथ 100% सही है और हमने इसे अच्छी तरह से क्रैक किया है। एक बार पूरी स्क्रिप्ट लॉक हो जाए और सभी मेकर्स इसे अप्रूव कर दे, तब ये फिल्म फ्लोर पर जाएगी। तो अभी के लिए फैंस को बता दे कि अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु इसी दिवाली पर रिलीज होगी। ये फिल्म एक आर्कियोलॉजिस्ट पर बेस्ड फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन भी दिखाई देंगी। बता दें कि अक्षय कुमार की ये पहली फिल्म नहीं है जो देशभक्ति पर आधारित है। इससे पहले भी कई फिल्मों में उन्होंने देश से जुड़े अलग अलग किरदार निभाए हैं, जिसमें आते हैं गोल्ड, इस फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट मौनी रॉय थी, फिर रुस्तम में इलियाना के साथ, फिर हॉलीडे में सोनाक्षी के साथ, फिर बेबी में तापसी पन्नू के साथ भी देश से जुड़े हुए रोल को प्ले किया है।